नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान जी और बाली का भयंकर युद्ध। इन दोनों की ताकत के संपूर्ण विश्व में ही चर्चे हैं। पहले दोनों के जीवन चरित्र की बात करते हैं, फिर करेंगे युद्ध की बात। पहले बात करते हैं बाली की। बाली किस किंदा के राजा थे? इनकी ताकत की संपूर्ण विश्व में चर्चा थी। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के वरदान से बाली जिससे भी युद्ध करते थे उनकी आदि शक्ति बाली के अंदर समा जाती थी। लेकिन यह केवल कपोल कल्पित बात है, यह हकीकत नहीं है। दरअसल यह एक विद्या होती है जो सामने वाले का ध्यान युद्ध से हटा देती है। जब दुश्मन का ध्यान हट गया तो उसकी ताकत अपने आप ही कम हो जाती है, उसका ध्यान युद्ध में नहीं रहता, और यह विद्या बाली को आती थी जिस कारण वह युद्ध में जीत जाता था और दुश्मन को इस विद्या से बचने का रास्ता नहीं पता था। बाली ने इस विद्या के बल पर हजार हाथियों का बल रखने वाले दुदुम्बी नामक असुर का भी वध कर दिया था। उसके बाद उसके छोटे भाई मायावी को भी उसने एक गुफा में हरा दिया था। इसी गुफा में युद्ध के कारण बाली और सुग्रीव की आपस में मतभेद हो गई थी। इन सबको हराने के बाद राजा रावण के साथ बाली का युद्ध हो गया और बाली ने अपनी विद्या के कारण रावण को भी बड़ी आराम से हरा दिया। रावण ने माफ़ी मांगी और मित्रता कर ली। इस युद्ध के बाद बाली का घमंड बहुत बढ़ गया था। इससे आगे बात करने से पहले हनुमान जी के बारे में बात करते हैं। हनुमान जी पवन और अर्चना के पुत्र थे। यह बचपन से ब्रह्मचारी, पराक्रमी और अति बुद्धिमान थे। हनुमान जी की ताकत के चर्चे तो आप सबने सुने ही होंगे। 400 किलोमीटर का समुद्र तैर कर पार करना और वो भी बहुत तेज रफ्तार से, और सारी लंका में आग लगाना, यह उनके अखंड ब्रह्मचर्य का ही तो परिणाम है। अब बात करते हैं उस युद्ध के बाद जब बाली का घमंड बहुत बढ़ गया था और सारे वनों में चिल्लाता फिर रहा था कि है कोई मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली। उसी वन में हनुमान जी भी तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या में बाधा पड़ी और उन्होंने खड़े होकर कहा, वानर राज बाली, आप अति बलशाली हैं, आप ताकतवर हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह शोर क्यों मचा रहे हैं। इस पर बाली आग बबूला हो गया और उसने हनुमान तो क्या भगवान राम को भी चुनौती दे दी। बाली ने कहा, हनुमान तुम तो क्या तुम्हारे राम भी मुझे नहीं हरा सकते, है दम तो बुलाओ अपने राम को। बाली का राम जी को चुनौती देना हनुमान जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने बाली से युद्ध करने की चुनौती तय कर ली और अगले दिन सुबह दोनों के बीच दंगल शुरू हो गया। बाली अपनी इस विद्या को हनुमान जी पर ना चला सका क्योंकि हनुमान जी को उस विद्या का तोड़ आता था, अर्थात हनुमान जी को भी वह विद्या आती थी युद्ध से भटकाने वाली। बाली अपने पूरे बल से युद्ध लड़ रहा था जबकि हनुमान जी अपनी ताकत का कुछ हिस्सा लगा रहे थे और देखते ही देखते बाली युद्ध में हारने लगा और बाली ने युद्ध समाप्त करने को कहा और कहा कि हनुमान आपकी जीत हुई मेरी हार, और क्षमा मांग कर वहाँ से चलने लगा और मन में सोचता रहा कि भाई मेरे से ज़्यादा ताकतवर भी इस दुनिया में हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से हमें यह सीख मिलती है या हमें सीखने को मिलता है कि हनुमान जी के जैसे शांत रहो और ईश्वर भजन करते रहो, शरीर के अंदर बल भी आएगा और मन शुद्ध भी रहेगा, और आप अपने जीवन में कितना ही रुपया कमाए या कितनी ही ताकत कमाए पर कभी घमंड मत करना। तो बताओ दोस्तों, आज की यह वीडियो कैसी लगी? किसी का कुछ पर्सन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना।